हेलो स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 वर्ड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उनको हम किन किन प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 वर्ड होते हैं और जिनके प्रकार इस प्रकार हैं कि उन वर्ड को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में। कैपिटल लेटर में इस प्रकार आता है AVCDE, मतलब बड़े अक्षर में, और स्मॉल लेटर में लिखा जाता है छोटे अक्षर में। तो इन्हें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, मीन्स अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, मतलब बहुत सारे अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, एक शब्द बनता है। और वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, मतलब बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक क्या बनता है, वाक्य बनता है। इसके बाद है सेंटेंस फॉर्म अ पैराग्राफ, मीन्स बहुत सारे वाक्यों से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। तो आपने इसमें क्या जाना है कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्यों से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन इज ए गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। तो यह क्या है, एक पैराग्राफ है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा दोस्त है, आई लव हिम अ लॉट, जिसे मैं बहुत अधिक चाहता हूँ। अब इनको अलग अलग करते हैं, तो मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यह एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा दोस्त है, आई लव हिम अ लॉट, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। तो इसमें इस पैराग्राफ में कितने, तीन सेंटेंस हो गए हैं। ओके, मतलब कि बहुत सारे वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ बनाया, और उनमें से बहुत सारे शब्द मिलकर एक सेंटेंस बनता है। अब इसमें क्या है, अगर हम इनको काउंट करते हैं तो इनमें कितने हैं, देयर आर 15 वर्ड्स एंड 43 लेटर्स, मीन्स इस पैराग्राफ में अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें आपको 15 वर्ड्स मिलेंगे और 43 लेटर्स मिलेंगे। ओके, तो आज हमने जाना कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्यों से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। आपने देख लिया इसमें 43 लेटर्स हैं और 15 वर्ड्स हैं। तो लेटर्स से क्या बनता है, एक वर्ड बना है, और बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है एक सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस से मिलकर एक बनता है पैराग्राफ। ये आज हमने जाना है। और हमने आज क्या जाना है कि जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 26 वर्ड होते हैं, उनको हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उन्हें हम एक तो कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। अगर आज की नॉलेजफुल वीडियो में कुछ आपको मिला है तो आप एक लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।